everybody. How are you? I hope you're all doing good and great. Nice to hear that you're doing good. आओ अंग्रेजी सीखे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिर्फ आपके अंदर एक डिजायर होना चाहिए। डिजायर कहते हैं ख्वाहिश। आपके अंदर एक तड़प होना चाहिए, एक आग होना चाहिए, एक फायर होना चाहिए। मैं सीखूंगा एंड आई कैन डू इट। ये जरूर कहा कर, आई कैन डू इट, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, मुझे पता है। यू कैन डू इट, बट इट्स वेरी इजी। नाउ लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये रेन रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, मैं इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक वर्ड है ड्रिजलिंग। द वर्ड इज ड्रिजलिंग, DRIZZLING, ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, मतलब बूंदाबांदी, बाहर बूंदाबांदी हो रही है भाई। हाँ, छतरी लेके जाइएगा। इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड और इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। बहुत आसान लफ्ज़ है और आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आइंदा आप जुमला बनाइएगा अपना, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन एंड पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट्स में नीचे, इस वीडियो के नीचे। आप मैं उसमें अगर कोई गलती अगर हुई तो, अव्वल तो मुझे यकीन है कि गलती आप करेंगे नहीं, बट इफ देर इज एनी मिस्टेक करेक्शन विल बी मेड। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा वर्ड आता है कैट्स एंड डॉग्स। अब ये बड़ा मज़ेदार लफ्ज़ है भाई, कुत्ता बिल्ली। अब ये वो कुत्ता बिल्ली नहीं कि आपके कुत्ता बिल्ली। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मौसलाधार बारिश, जो बड़ी ज़ोरदार बारिश हो। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है। प्लीज डोंट गो आउटसाइड, स्टे होम बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। तो मौसलाधार बारिश में आप मत जाइए, घर पे बैठिए और फ्रिटर्स इंजॉय कीजिए। फ्रिटर्स कहते हैं पकौड़ों को, FRITTERS, फ्रिटर्स। तो एंजॉय फ्रिटर्स, मज़े मज़े के बनाइए, चटनी के साथ खाइए। इट्स योर डे, ये वर्ड हो गया। अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं हरिकेन। अरे भाई ये क्या बला आ गई, यह है आंधी वाला तूफान। आंधी वाला तूफान, अ स्टॉर्म विथ वायलेंट विंड। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। तो भाई एक मैं कोई जुमला बना देता हूँ, अ पावरफुल हरिकेन हिट द फ्लोरिडा कोस्ट। कोस्ट कहते हैं साहिली इलाका। पावरफुल जो है वो आंधी वाला तूफान आया है और आके साहिल से टकरा गया, जो कुछ इसने करना था कर दिया, डन इज डन, कर लो अब क्या करोगे। तो आंधी वाले तूफान को कहते हैं हरिकेन। अच्छा भाई एक तूफान और भी होता है, वो खास तौर पे हमारे यहाँ तो नहीं है, ब्लिजर्ड, बर्फानी तूफान। वो भी बड़ा, उसकी इंटेंसिटी भी कोई कम नहीं होती, जब बढ़ जाती है तो बड़ा शदीद हो जाता है, खास तौर पे वो जगहों पे जहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज और दोज एरियाज, और ख़ास तौर पे कैनेडा वगैरह में, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑल दिस प्लेसेस, देयर आर ब्लिज़र्ड्स भी आते हैं बहुत सी जगहों पे। इट्स जस्ट अ फ्यू नेम्स। तो हरिकेन का भी हो गया भाई, और ब्लिज़र्ड का भी हो गया, और कैट्स एंड डॉग्स भी हो गया भाई, मूसलाधार बारिश, और फिर सोने पे सुहागा ड्रिजलिंग भी हो गया। अब हम एक वर्ड पे आते हैं जिसका मतलब है फॉग।
वी स्पेल इट एज FOG फॉग। फॉग का मतलब होता है धुंध, आपने देखा होगा ना, धुंध है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो है, यू कांट सी अहेड, आप देख नहीं सकते क्या चीज़ है भाई, तो उसको कहते हैं फॉग। और दूसरा वर्ड होता है ड्यू। ड्यू पीते हैं कि नहीं आप, कोको कोला, पेप्सी, सेवन अप, ड्यू। ड्यू का मतलब वैसे होता है ओस, शबनम, रात को गिरती है और आज सुबह आप देखते हैं कि वो पत्तों के ऊपर वो ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे होते हैं, ग्रास जो है वो गीली होती है, तो वह तो ये हो गया वर्ड। अब बारिश के बाद क्या कुछ होता है भाई, स्टैग्नेंट वाटर, पानी जमा हो जाता है, इट बिकम्स अ वेरी गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मस्कीटोज, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स, उनके लिए एक माहौल बड़ा खूबसूरत हो जाता है। खूब कहके लगाते हैं वो, हमें तो मिल गया सामान अच्छा, रहने की जगह अच्छी, जाएंगे काट के आएंगे लोगों को फिर इधर ही अपने बोरिया बिस्तर, तो अपने सब भाई बंद भी गएंगे, ये रहा भाई, दिस इज एन आइडियल प्लेस टू लिव, ये वो मक्खी मच्छर सारे जमा होके बड़े खुश होते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। और हमने तो अक्सर देखते हैं हम जगह जगह पे, दिस स्टैग्नेंट वाटर प्रॉब्लम इज एवरीवेयर। उसके साथ साथ फिर एक वर्ड मैं आखिर में बताता चलता हूँ कि भाई इतना पढ़ो जितना जस्ट कर सको, इतना खाओ जितना हजम कर सको, अब पढ़ा दूँ मैं इतना या मैं बता दूँ इतना और आपके पास कुछ भी नहीं, ज़ीरो, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। ड्रेनेज, सीवरेज एंड ड्रेनेज, निकासी का इंतज़ाम, सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम इज नॉट गुड हियर, अच्छा नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, पानी आता है जमा हो जाता है, वाटर बिकम्स स्टैग्नेंट एट प्लेस एंड देन लॉट ऑफ डिजीजेज एंड अदर थिंग्स हैपन्स होती है। तो ये मैंने चंद अल्फाज विच आर रिलेटेड टू रेन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वोकैबुलरी, ये चंद लफ्ज आप बस इनको लिख लीजिए, इनको बार बार मेरी वीडियो को अगर देखेंगे तो योर अंडरस्टैंडिंग विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और फिर बाद में खा सकते हैं, लेटर यू कैन ईट बटर। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके हैं सब चीज़ें, मैंने उर्दू में साथ साथ में ज़्यादातर जोर दे रहा हूँ उर्दू की तरफ ताकि आपको इन चीज़ों के माने बखूबी वाक आ जाए। और इनके अब आप जुमले बनाइएगा, जितने हैं मैंने आपको कहाँ से स्टार्ट किया, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी, फिर मैंने आपको बताया हरिकेन आंधी वाला तूफान, फिर मैंने आपको बताया कैट्स एंड डॉग्स मौसलाधार बारिश, फिर मैंने आपको बताया ट्यूब जिसको कहते हैं ओस शबनम, फिर मैंने आपको बताया फॉग, फॉग का मतलब होता है धुंध, फिर मैंने आपको बताया स्टैग्नेंट वाटर, पानी जहाँ जमा हो जाता है और कहीं बाहर नहीं निकल पाता है, जगह ही जमा हो जाता है, गंदगी बढ़ जाती है, फिर मैंने आपको बताया सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, और इनके थोड़े थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम आप ये ज़रूर कीजिए कि मेरे इस वीडियो में आप कॉमेंट सेक्शन में कुछ जुमले बनाइए, इन वर्ड्स को आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बोर्ड वगैरह पे लिख के भी बताता रहूँगा। एंड हाउ टू राइट, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग ऑल्सो लेटर, दिस ये अभी एकदम से नहीं हो सकता, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था, यानी कि इसका मतलब ये नहीं होंगे, मतलब कोई चीज़ अकम्प्लिश करने के लिए, हासिल करने के लिए इट टेक्स टाइम टू डू समथिंग गुड। तो मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीज़ें वाज़े तौर पे बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी, आप इनको इस्तेमाल करेंगे अपने जुमलों में, और प्लीज़ डू लेट मी नो नेक्स्ट टाइम
whether you have understood it or not, आपने समझा या नहीं समझा। इसके साथ ही मैं आपसे इस वक्त के लिए इजाज़त लूँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी जितनी मूवीज़ हैं या जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ और आप इस तरह से इंग्लिश की प्रैक्टिस आप करते रहें। और मुझे यकीन है कि आप अगर ये करेंगे तो बहुत जल्द आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे। तो इसके साथ ही इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।